पुलिस के सामने हाथ जोड़ते कान पकड़ते ये वो शातिर बदमाश है जिन्होंने बीजेपी नेता गोपी कृष्ण नेमा के घर पर हमला किया था। दरअसल दो दिन पहले ही शातिर बदमाश अरुण वर्मा और अश्वनी सिरलिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहीं पुलिस ने अब अनमोल संधू और पूर्व बीजेपी विधायक के घर पर चाकू लहराने वाले सुदर्शन सोलंकी सहित पांच बदमाशों को गिरफ्त में ले लिया। शातिर गुंडों का आज छत्रीपुरा थाना क्षेत्र में स्थित बीजेपी नेता के घर के आसपास जुलूस निकाला ताकि लोगों में गुंडों का खौफ कम हो, बदमाशों के हौसले पस्त हो। बदमाशों पर नकेल कसने के लिए पुलिस आगे और एक्शन लेने की बात कह रही है। इलाके के सभी थानों में 700 से ज्यादा सूचीबद्ध गुंडों को बुलाकर डोरियर भरवाकर सख्त चेतावनी दी गई है। पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन श्री योगेश देशमुख साहब के निर्देश पर जिले के समस्त थानों में सूचीबद्ध गुंडे बदमाशों को थाने पर बुलाया जा रहा है। सभी से वर्तमान स्थिति में एक डोजियर भरवाया जा रहा है, उनके गुजर बसर के क्या साधन हैं वो जानकारी प्राप्त की जा रही है। साथ ही बहुत स्पष्ट रूप से ये चेतावनी भी दी गई है कि यदि आपके द्वारा भी किसी भी प्रकार का कोई अपराध किया गया तो आपका भी वही हश्र होगा जो दूसरे गुंडे बदमाशों का पिछले दिनों देखने को मिल रहा है। टोटल कितने हैं सर पश्चिम क्षेत्र की हम बात करें? छत्तीसपुरा में ही 100 से अधिक लोग, जैसे कि आप देख रहे हो पूरा थाना इस समय भरा हुआ है और थाने में यही स्थिति पश्चिम इंदौर जिले के सभी थानों की है और टोटल कुल मिला के आज की उपस्थिति में सभी थानों में लगभग 700 के करीब पुराने गुंडे बदमाश जो थानों पर रजिस्टर्ड हैं उनको बुलाया गया है। जैसा बताया कि उनका डोजियर आज की स्थिति में भरवाया जा रहा है और उनको बड़ी सख्त चेतावनी दी जा रही है जो शायद आपने भी महसूस की होगी। आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक गोपी कृष्ण नेमा के घर पर कुछ दिनों पहले बदमाशों ने हमला करते हुए पत्थरबाजी की थी। इन बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 10,000 का इनाम भी घोषित किया था। बाद में पुलिस को इन बदमाशों को पकड़ने में कामयाबी मिली थी। इस मामले को लेकर इंदौर पुलिस पर सवाल उठे थे। यही वजह है कि पुलिस अब पूरी तरह एक्शन में नजर आ रही है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट MP तक।